मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया भाभी, बच्चे आ गए क्या स्कूल से? नहीं भैया बहन, बस अभी आते ही होंगे। अरे भूला दो, काय चल रहा है मस्ती? सोनू अगर तो लंच बॉक्स दे भाई। स्टूडेंट्स को डांटते हैं ना वैसे। अरे भीड़े बहन, शुरुआत में टप्पू के पापा भी गुस्सा हुए थे, फिर बाद में वो भी मेरे साथ खेलने लगे। अब कोशिश तो करो, मजा जाएगा। आपको अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है, शादी के इतने साल बाद भी? किसने कहा? तुमसे तो मुझे रोज प्यार होता है माधवी। ओह खुरज मक नक्की ओ। तो मेरी एक बात मानेंगे? अरे एक क्या, हजार बात मानूंगा, बोलो। हम लोग स्टैचू स्टैचू खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वो नहीं, ऐसा करता थे स्टैचू, ऐसा करता ना। ओहो स्टैचू ओवर वो। हाँ हाँ हाँ। माधवी वो तो हम लोग बचपन में खेलते थे, बच्चों का खेल है ये। ऐसा कहीं नहीं, कहीं पति पत्नी भी ये गेम खेल सकते हैं। दया भाभी और जेठा भाई ने ये गेम खेला है, पता है? दया भाभी ने आज जेठा भाई को दो बार स्टैचू किया। मंजाली नुस्ती। तुम उनके घर में कब गई थी देखने के लिए? नहीं नहीं, मैं उनके घर नहीं गई थी, दया भाभी ने अपनी गैलरी में बताया। दया भाभी अपनी गैलरी में है? कब गई? नहीं हो, दया भाभी उनके गैलरी में थी, मैं अपनी गैलरी में थी, तो वहां से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा गेम खेला। मज्जा नुस्ती। हम लोग खेलते हैं ना स्टैचू स्टैचू प्लीज। माधवी स्टैचू का मतलब क्या है? मूर्ति। और मैं कौन हूँ? शिक्षक। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा मूर्ति होता है, मतलब मैं पहले से स्टैचू हूँ, अलग से क्या खेलने की जरूरत है? मैं आपकी पत्नी हूँ, विद्यार्थिनी नहीं हूँ। अब खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं? ठीक है बाबा खेलते हैं। हारू हारू, लेकिन एक मिनट सोच लो, मेरे साथ खेलोगी तो हार जाओगे। कौन? मैं क्यों हारूंगी? क्योंकि शिक्षक की एकाग्रता सबसे अच्छी होती है। एक बार शिक्षक ठान लेना कि उसे स्टैचू बनना है, तो उसकी एकाग्रता को भंग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसलिए माधवी मेरी बात मानो, तुम रहने दो, सोनू जब आएगी ना तो सोनू के साथ स्टैचू स्टैचू खेलना। स्टैचू देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है। आहो बोला बोला। और अगर आप हिले तो आपकी पनिशमेंट ये होगी कि आपको आपके जमाने की, मतलब हमारे जमाने की बातें बोलना बंद करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कर लो काम मिस्टर शिक्षक। हाँ
काय? क्या हुआ? नामुमकिन मुमकिन में बदल गया? खत्म एकाग्रता वगैरह? ये आंखें बड़ी करने से, इधर उधर घुमाने से मैं स्टैचू ओवर नहीं बोलने वाली हूँ इतनी जल्दी। बड़े भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए अब्दुल भाई, आइए अब्दुल भाई। बड़े भाई मैं क्या कहता हूँ, बड़े भाई को क्या हुआ? अब्दुल भाई मैंने इनको स्टैचू किया है और जब तक मैं ओवर नहीं बोलूंगी तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे वाह स्टैचू। मुझे लगता है कि भेड़े भाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कब से ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नहीं रह सकता, प्लीज स्टैचू ओवर कर दो। माधुरी भाभी जल्दी से स्टैचू ओवर बोल दीजिए। क्यों आपको इन पे तरस आ रहा है? नहीं नहीं मुझे कुर्ते पे तरस आ रहा है। इन्होंने कुर्ता कहाँ पहना है? ये कुर्ते पे तरस आ रहा है। माधवी तुम्हारे इस स्टैचू के चक्कर में मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आप कुर्ते पे इसलिए रख के स्टैचू क्यों हो गए? काए दो, अरे तुमने मुझे जिस पोजीशन में स्टैचू बोला मैं उसी पोजीशन में स्टैचू हो जाऊंगा ना। मैंने इसलिए कुर्ते पे रखी और तुमने स्टैचू बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल आ गया वरना मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आपने छोड़ देना चाहिए था ना स्टैचू वेचू। हाँ ऐसे कैसे छोड़ देता, रूल इज रूल। और तुमने क्या बोला था, पनिशमेंट मिलेगी, वो भी क्या कि मैं हमारे जमाने की बातें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अरे हट मोड़े पर वाकणार ना है। लेकिन आपकी ठीक है अभी सॉरी। भिड़े भाई काय है? ओ बाबा दे दे भूल गया। नहीं नहीं वो हाँ नहीं याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, फिर आता हूँ मैं। अरे नहीं अब्दुल अब्दुल अरे बात तो सुन। अरे क्या बात थी? मेहता साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। मेहता साहब इस समय आप घर पे? क्यों आपको भी तकलीफ है? नहीं नहीं इस समय आप ऑफिस में रहते ना इसके लिए। हाँ भाई इस वक्त ऑफिस में ही रहता हूँ लेकिन आज कोई जरूरी आर्टिकल लिखना था तो मैंने सोचा घर पे बैठ के आराम से लिख लूँ। आपकी इजाजत हो तो लिखूँ। मेहता साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। स्टैचू? क्या स्टैचू? और क्या है ये अब्दुल? अब्दुल तुम भी कमाल करते हो यार, स्टैचू बचपन की याद दिला दी तुमने। बचपन में मैं भी बहुत खेलता था स्टैचू स्टैचू। लेकिन आज तुम्हें ये अचानक स्टैचू की कहां से सूझी भाई? अभी भी मैं भिड़े भाई के घर से आ रहा हूँ ना। क्या देख क्या रहे हो? माधवी भाभी ने भिड़े भाई को स्टैचू कर दिया, बड़ा मजा आया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो उनका जो कुर्ता ना वो जल जाता था। वैसे एक बात कहूं अब्दुल, शादीशुदा आदमी को जीवन में हर रोज स्टैचू तो होना ही पड़ता है। कैसे? अरे भाई जब बीवी बोल रही हो तो पति की भला इसी में एक सामने स्टैचू हो जाए। समझे? मैं तो सब मैं चलता हूँ। चलो चलो स्टैचू और ओवर। क्या मैं तो सब आप भी स्टैचू। मिस्टर तारक मेहता जी कहिए, बिल्कुल आपके सामने खड़े। जी आपका कुरियर आया। कहाँ से? बनारस से। क्या है इसमें? हमें देखने की परमिशन नहीं है। सो तो है भाई। धन्यवाद। थैंक यू। बनारस से नारायण दास जी ने क्या भेजा है? किताब? किताब तो नहीं लगती, क्या है भाई? अरे राम भंडार की मिठाई, क्या भेजा है भाई देखे जरा। तिरंगी बर्फी भाई, क्या बात है। महिला मंडल की मीटिंग के लिए। तारक ये क्या? मर गए। अब अंजलि मुझे मिठाई नहीं खाने देगी। तारक अब मिठाई खा रहे हैं। अंजलि स्टैचू, और जरा सी भी हिली अगर तुम अंजलि तो तुम जिंदगी भर मुझे डाइट फूड नहीं खिला पाओगी। स्टैचू मतलब स्टैचू। अंजलि क्या तिरंगी बर्फी भेजी है बनारस से। वाह 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 क्या बर्फी है, मजा आ गया। अंजलि तिरंगी बर्फी खाओगी? तुम कैसे खा सकती हो, तुम तो हिल ही नहीं सकती ना। बहुत सोच के रखो मीटिंग के लिए। अंजलि को स्टैचू कर दिया मैंने, स्टैचू। आप लोग भी मेरे साथ अंजलि
अभी मजा आ रहा है। देखो ना अंजलि, हिल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, क्या करे, मैं खा रहा हूँ, खा भी नहीं सकती। अरे क्या बात है मेहता साहब, आप मिठाई खा रहे? हाँ आती भाई। अरे भाई अंजलि को स्टैचू जो बना दिया इसलिए मिठाई खा पा रहा हूँ, वरना थोड़ी खा पाता है। अच्छा स्टैचू। अभी डॉक्टर साहब को भी टैचू का बुखार चढ़ गया। सही बात है, सही बात है, मुझे भी हो गया टैचू का बुखार। बिल्कुल हिलिएगा मत मेहता साहब। एक मिनट। शेर ने मलियो सवा शेरा। सवा शेर नहीं, सवा हाथी। बढ़िया मिठाई है मेहता साहब, मजा आ गया। हंस क्या कर रहे हो? हंस ये मिठाई तो मेहता साहब की है। कोई बात नहीं कोमल, हम सब तो एक परिवार जैसे ही है ना, चलते हैं। अरे हंस तुम तो स्टैचू, तुम भी स्टैचू। वाह मेहता साहब वाह, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अंजलि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मेहता साहब को एक भी मिठाई का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा, आपकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दूंगा। चल बाय बाय। पापा आप कुछ खा रहे हो? हाँ बेटा बहुत बढ़िया मिठाई है, आ जाओ तुम लोग भी खाओ। अरे वाह, चल 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 डब्बो। अरे क्या बात है, क्या मिठाई है, मजा आ गया। पापा इसमें तो एक ही बची है। कोई बात नहीं है बेटा, जो भी है मिल बांट के खाएंगे। पापा एक में भी मिल बांट के? नहीं नहीं ये तो मैं ही खाऊंगा। कोई बात नहीं, डब्बू तू आधी खाएगा क्या? नहीं गोली तू खा। नहीं मतलब इच्छा है तो इच्छा को मार मत खा। अरे गोली तू खाना यार, खा खा, मुझे नहीं खाना, खा खा। वाह यार लव यू टप्पू, दोस्त तो ऐसा यार। आप लोग भी स्टैचू खेल रहे हो? हाँ बेटा। मैं बताता हूँ बेटा, देखो क्या है कि मेहता साहब को मिठाई खानी थी तो उन्होंने अंजलि भाभी को स्टैचू कर दिया, और मुझे मिठाई खानी थी तो मैंने मेहता साहब को स्टैचू कर दिया। और मम्मी आपको किसने स्टैचू किया? देखो बेटा तुम्हारी मम्मी मुझे खाने में डिस्टर्ब कर रही थी तो मैंने तुम्हारी मम्मी को भी स्टैचू कर दिया। अरे वाह खेलो खेलो मजा आएगा, चलो गोली हम लोग चलते हैं। लो बाबा डस्टबिन में बॉक्स फेंक देता। यस यस बाय बाय। मजा आ गया। सॉरी सॉरी ओवर ओवर। क्या ओवर आती भाई, आपने पूरा मिठाई का डब्बा ही ओवर कर दिया। बनारस से मेरे लिए बर्फी आई थी और आपने मुझे स्टैचू बना के जरा सा भी रस नहीं लेने दिया, हद करते हैं आती भाई आप। सॉरी मेहता साहब, मिठाई इतनी अच्छी थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। चलिए मेहता साहब अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। अरे एक मिनट, आप कहाँ पेशेंट देखने जा रहे हैं? कोमल भाभी को तो ओवर बोलिए, वो इंपेशेंट हो रही हैं। कोमल ओवर? व्हाट इज दिस हंस, तुमने तो पूरा बॉक्स ही खाली कर दिया। अब कोई बात नहीं कोमल भाभी, किस्मत की बात है, दाने दाने पे लिखा है हाथी भाई का नाम। सही बात है, सही बात है। बाय। अरे मेहता साहब अंजलि भाभी को भी तो ओवर कह दो। हाँ अभी तो मीठा भी खत्म हो गई और डिब्बा भी चला गया। अंजलि ओवर ओवर। क्यों ओवर क्यों किया, मुझे स्टैचू कर दो और अब मिठाई खाए जाओ और मोटे हो जाओ। अरे क्या मिठाई खाए जाओ अंजलि, तुमने खुद देखा है तुम स्टैचू थी, लेकिन देख तो सकती थी ना कि सारी मिठाई हाथी भाई खा गए, मैंने तो खाई नहीं। एक मिनट तारक, हाथी भाई के आने से पहले तुमने मिठाई खाई थी, मैंने देखा था। अरे कितनी मिठाई खाई थी, जो आदमी पूरे साल में गाजर ककड़ी और टमाटर खाता हो उसने एक पीस खा लिया तो उसके लिए तुम हमारा पीस क्यों खत्म कर रही हो अंजलि? पीस मैं खत्म कर रही हूँ? और तारक गलत बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि भाभी मेहता साहब ने इतना खाया भी नहीं, जाने दीजिए ना, चलिए जल्दी हमें बबीता जी के घर महिला मंडल की मीटिंग है। हाँ लेके जाइए लेके जाइए। और अंजलि आज तो मैंने छुट्टी ली है ना, पूरे दिन अवेलेबल हूँ तुम्हारी डांट खाने के लिए, फिर पूरे दिन जब चाहो डांट लेना, ठीक है? अभी आके देखती हूँ। हाँ हाँ अभी जाओ। अरे हाँ हाँ मैं डांट आराम से। महिला मंडल की मीटिंग, जैसे हम जानते नहीं कि वहाँ कैसी पार्टी होती है। ये सब के लिए
गुआवा जूस। अरे वाह, थैंक यू। वाओ, थैंक यू। थैंक यू। वाओ टू गुआवा। सो मच है पविता जी, आपका टॉप तो एकदम मस्त है। हां थैंक यू रोशन भाभी। हां खूब अच्छा ने मस्त है। तो पविता जी, ओ स्लीव की डिजाइन बहुत अच्छी है, जरा बताइए तो। अच्छा है ना पविता जी, थैंक यू। एक मिनट दया भाभी, क्या स्टैचू लगा रखा है? हम सब ने तय किया था ना कि आज गोल्ड के भाव कम हुए हैं, तो मीटिंग में तय करेंगे कि कहाँ शॉपिंग करने जाना है, क्या सोना खरीदना है, और आप लोग स्टैचू करने लगे। अरे अंजलि भाभी, ये स्टैचू खेलने में बहुत मजा आता है। क्या? हाँ दया भाभी, आपने देखा नहीं, नीचे सबके सामने तारक ने मुझे स्टैचू करके मिठाई खा ली। देखिए अंजलि भाभी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेहता साहब ने मिठाई का सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया था और दूसरा खाने जाने ही वाले थे कि हाथी भाई ने उनको स्टैचू कर दिया था। एंड यू नो व्हाट बबीता, हंस को मैंने मिठाई खाने से रोका तो मुझे भी स्टैचू कर दिया और फिर पूरा बॉक्स खत्म कर दिया। सॉरी कोमल भाभी, अंजलि भाभी, लेकिन सॉलिड मजा आया। टाइमिंग जो था ना मस्त था। माधवी भाभी, मजा मुझे भी आता, पर तब जब तारक मुझे स्टैचू बोले बगैर मिठाई खाते। अंजलि भाभी, गलती आपकी है। मेरी? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेहता साहब स्टैचू बोले, उससे पहले आपको स्टैचू कर देना चाहिए था। आज सुबह टप्पू के पापा को मैंने स्टैचू कहा था, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। दो बार? हाँ, घर में वो ऐसे उनको स्टैचू कर दिया था और सौ सिटी कंपाउंड में ऐसे स्टैचू कर दिया था। वैसे जेठा जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, अय्यर ने इतनी कोशिश की उनकी स्टैचू तोड़ने की, बिल्कुल नहीं कर पाए। जेठा जी डट के खड़े रहे, हार ही नहीं माने। टप्पू के पापा का ट्रंक ऑयल मस्त है। मैंने भी मेरे इनको मस्त पोज में स्टैचू किया था, पता है, ऐसे इस हाथ में स्त्री है। पता है आज जेठा जी के डर से हायर ऑफिस से जल्दी घर वापस आने वाला है। अब जो भी होगा ना, बहुत मजा आएगा। अरे बबीता, अय्यर भाई को स्टैचू करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा। या व्हाई नॉट, लाइफ में तो ऐसा हंसी मजाक होना ही चाहिए ना। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अय्यर को इतनी मस्ती के मूड में देखा। पता है क्या क्या कह रहा था? मेंटल गुदगुदी, कुछ गाना गा रहा था जोर जोर से। बट व्हाट इफ यू नो सोसाइटी में सब लोग खेलेंगे, मजा आएगा, हंसी मजाक करेंगे, एक्साइटमेंट होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ ये तो है। तो देखते शाम को ये मस्ती क्या रंग लाती है। लेकिन बबीता जी, टप्पू के पापा तो दुकान में काम के टेंशन से ये टेचू वाली बात तो भूल ही गए होंगे। नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता जेठा जी ये बात इतनी आसानी से भूलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जेठा जी अय्यर को स्टैचू करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अय्यर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सुबह का बदला चुन चुन के लूंगा। अय्यर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सुबह का बदला चुन चुन के लूंगा। अरे नटू काका जी, सेठ जी, वो सामान मैंने मंगाया था वो जी सब आ गया है, गोडाउन में रखा है। अरे वाह, थैंक यू नट्टू काका। लेकिन सेठ जी, ये तो बताइए, ये सब सामान का आप क्या करने वाले हैं? खेलूंगा। खेलेंगे? क्या खेलेंगे? स्टैचू। तो स्टैचू खेलने के लिए ये सब सामान की क्या जरूरत है? नट्टू काका, स्टैचू खेल का सबसे अगत्य का नियम क्या है? कि सामने वाला आपको टैचू करे उसके पहले आप उसको टैचू कर दो। इसलिए मैं इस सामान की मदद से छुपकर टैचू के ब्रह्मास्त्र का वार करूंगा। लेकिन सेठ जी, आप इतनी सारी तैयारी करके किसे स्टैचू करना चाहते हैं? है कोई अजीज यार भाई, तैयार हो जाइए, आ रहा हूं मैं।
अब्दुल, तुमने जेठालाल को दुकान से आते हुए देखा? नहीं, अभी तक नहीं आए। जेठा भाई इतनी जल्दी दुकान से कहाँ आते हैं? अब्दुल, जेठालाल आए और मेरे बारे में पूछे तो बोलना मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस से आया ही नहीं हूँ। लेकिन नैयर भाई, आप तो ऑफिस आ गए। हाँ अब्दुल, मेरे को मालूम है कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, लेकिन ये जेठालाल को बताना नहीं है कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ। लेकिन क्यों? वो क्या है अब्दुल, सुबह दया भाभी ने जेठालाल को स्टैचू किया था तो मैंने उसको बहुत परेशान किया। अब अगर जो जेठालाल को मालूम पड़ गया कि मैं घर पर आ गया हूँ तो उसका बदला लेने के लिए वो कैसे भी करके मेरे को स्टैचू कर देगा और न जाने क्या क्या टॉर्चर करेगा। ओ अच्छा अच्छा, डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अभी घर जाकर छुप जाता हूँ। ये जेठालाल दुकान पर रहकर मेरे को स्टैचू करने का कोई ना कोई आइडिया जरूर बना रहा होगा। अब लीजिए चश्मा। ये शॉल। और अभी ये लीजिए छड़ी। लग रहा हूं ना बूढ़ा? यस, कॉस्मेटिकली यस, बट एस्थेटिकली नो। ओ कथकली, क्या यस नो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सेठ जी, आप बूढ़े लग तो रहे हैं बट समथिंग इज मिसिंग। या गाड़ी सेठ जी, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। खामोश खामोश। हाँ कच्ची मारो यहाँ, एक कच्चे मारू ना कभी किसी के सामने झुका है ना कभी झुकेगा। सेठ जी, झुकना मतलब कन्विंसिंगली बूढ़ा दिखने के लिए कमर से थोड़ा झुकने के लिए कह रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है जो भी बूढ़े हैं सब झुके हुए हैं? बापूजी कहाँ झुके हुए हैं? ओके सेठ जी, आपकी मर्जी, झुकना है तो झुके, नहीं झुकना है तो मत झुके। अभी मन में डाउट डाल देने के बाद बोलते हैं आपकी मर्जी। कोशिश करता हूँ। ना ठीक है, चलेगा। ओके। अरे क्या ओके, ऐसा तो मेरी कमर रह जाएगी। तो रहने दीजिए ना सेठ जी, जाने दीजिए। एक काम करता हूँ, जितनी देर हो सका उतनी देर मैं रहूंगा ऐसे, फिर बीच बीच में टाइम प्लेज कर लूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आपको कहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इनाम जीतना है। हाँ वही तो, बाकी वैसे लग रहा हूँ ना बूढ़ा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आवाज में भी थोड़ा बहुत कर लेना। नहीं नहीं, आवाज क्या, फिकर मत कीजिए। आवाज तो मैं ऐसे बदलूंगा क्या यार भाई, तो क्या दया भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। यार भाई तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं। विंडो भी बंद करता हूँ। अय्यर, क्या कर रहे हो तुम? बबीता, मैं अंदर के कमरे में जाता हूँ, देखो कोई फोन आए या कोई मेरे बारे में तुमको पूछे ना तो कहना मैं आज घर पर नहीं हूँ। अय्यर तुम इतना डर क्यों रहे हो? बबीता, तुम तो जानती हो ना जेठालाल को, आज सुबह मैंने उसको कितना परेशान किया, वो उसका बदला मेरे से जरूर लेगा। इसलिए जेठालाल को अगर जब मालूम हो गया कि मैं घर पर ही हूँ तो वो कैसे भी करके मेरे को स्टैचू करेगा और फिर न जाने क्या क्या टॉर्चर करेगा। इसलिए बबीता, किसी को भी बोलना मत कि मैं घर पर ही हूँ। अय्यर रिलैक्स, ये गेम है और इसको एक गेम के स्पिरिट में लो, हंसी मजाक में लो ना, इट्स ओके। बबीता, तुम तो जेठालाल को जानती हो ना, वो कभी भी गेम को गेम की तरह नहीं लेता है, वो मेरे को स्टैचू करने का ट्राई जरूर करेगा। मालूम नहीं ये जेठालाल क्या चाल चलने वाला है। अरे भाई साहब जी, पाउडर गली चलोगे? हाँ चलूंगा, बैठी नहीं चाचा जी। Thank you.
क्या कर रहे हो भाई साहब? पीछा वो खड्डा आ गया था। खड्डा आ गया क्या? सामने से चल के आया? खड्डा तो उधर ही है ना भाई, आप ध्यान से चलाओ। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? आपकी आवाज और आपकी उम्र। ओ क्या है कि ओ जरा गला खराब है ना, तो बीच बीच में आवाज ऐसी हो जाती है। अभी ध्यान से चलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी आराम से ध्यान ध्यान से। हाँ चलो जल्दी आराम से। बस बस भाई साहब इधर साइड में खड़ा कर दो बस। ये लो, रोज इतना ही होता है। थैंक यू भाई। यार भाई अभी तक ऑफिस से आए नहीं होंगे। एक काम करता हूँ, अब्दुल की दुकान पे बैठ के राह देखता हूँ। जैसे ही ऑफिस से आएंगे इधर ही टच्चू कर दूंगा। अरे लेकिन मन में मैं ऐसी आवाज में क्यों बोल रहा हूँ? अरे बेटा थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए चाचा जी। चाचा जी आपके लिए एक सोडा बनाऊँ? नहीं बेटा, वो मैं कृष्णन भाई अय्यर से मिलने आया हूँ। वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे, उनसे यही मिल के निकल जाऊंगा। अरे चाचा जी अय्यर भाई तो ऑफिस से आ गए। आ गए? हाँ अय्यर भाई तो घर पे ही है। लगता है टैचू के डर से जल्दी आके घर में छुप गए। लेकिन अभी क्या करूं, उनको कैसे भी करके नीचे तो मंगाना ही पड़ेगा। बेटा मेरा काम करोगे? हाँ बोलिए। अय्यर भाई को जरा फोन करके नीचे बुला सकते हो? क्या उम्र हो गई है ना, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा। हाँ अभी फोन करके बुलाता हूँ। हाँ अब्दुल बोलो। अय्यर भाई आप थोड़े समय के लिए नीचे आ सकते हैं? अब्दुल मेरे को थोड़ा काम है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। आपको मिलने के लिए कोई आया है? जो भी आया हो उसको मेरे घर पे भेज दो। नहीं नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है, वो कह रहे कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको नीचे बुला रहा हूँ। अब्दुल तुमको आसपास कहीं जेठालाल नजर आ रहा है क्या? जेठा भाई? नहीं नहीं नहीं, जेठा भाई अभी तक नहीं आया। अय्यर भाई कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, आज मैं आपको टैच्यू करके ही रहूंगा। ओके 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 ठीक है, मैं अभी आता है। थैंक यू। वो आ रहे। थैंक यू अब्दुल। शुक्रिया। एक मिनट, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा नाम अब्दुल है? ऊपर वाले की सब देन है बेटा, चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। अरे वाह सच? हाँ चलो चलता हूँ। लगता है बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा है। पोपट भाई की शादी कब होगी इनको पता होगा। बाबा 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 बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूरी है। हाँ पूछो। बाबा हमारे सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल रहते हैं। अरे तेरे क्या हुआ? पूछो पूछो। हाँ उसकी अब तक शादी नहीं हुई, बहुत परेशान रहता है, तो क्या बता सकते कि उनकी शादी कब होगी? बेटा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। सॉरी सॉरी। अब्दुल भाई ये कौन है? ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है,
किसी का भी चेहरा देख के उनका नाम बता देते हैं। अरे वाह बाबा, बाबा जानी बाबा, ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा, अब मेरा नाम बताइए ना। तेरा चेहरा ठीक से दिखा? हाँ। ए, उधर से खाली चेहरा आ गया। गोगी बाबा मेरा नाम बताइए ना। गोली, सोनू, पिंकू, टप्पू। अरे टप्पू जरा एक मिनट इधर आना। टप्पू तुम्हारे पापा घर पर आ गए? नहीं अभी तक आए नहीं है, कुछ काम था। नहीं 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 कुछ काम नहीं था, मैंने बस आया नहीं पूछा। अच्छा जाओ जाओ खेलो खेलो खेलो। चलो फ्रेंड्स हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। हाँ अब्दुल, हाँ कौन मिलने को आया था? ये बाबा ही आपसे मिलने आए। हाँ बाबा जी बोलिए क्या काम है? एक मिनट, जल्दी बोलिए। एक मिनट बताता हूँ बेटा। अब्दुल मेरी मदद करेगा बेटा? जरूर। जरा लाठी पकड़ना बेटा। ओके। और जरा उस तरफ घूम जा। जल्दी बोलिए, मेरे को घर पर भागना है, मतलब जाना है। जल्दी बोलो क्या काम है? जल्दी बोलिए क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं। जेठालाल, जेठा भाई, जेठालाल टच्चू। पापा। अरे जेठालाल जेठा भाई आप? हाँ चलो 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 हंस गया। अब अगर मैं हिला तो मेरा खैर नहीं है। कहाँ भाग रहे थे अय्यर भाई? अय्यर भाई गए पहचान ही नहीं पापा। क्या जेठा अंकल सॉलिड आइडिया निकाला। मैं तो आपको पहचान ही नहीं सका। हाँ क्या गेटअप किया आपने, क्या एक्टिंग की, मजा आ गया। मालूम नहीं ये जयदलाल मेरे को कब तक स्टैचू रखेगा। अय्यर भाई अभी अगर आप हिले तो एक महीने तक रोज सुबह आपको कालबा देवी जाके मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लाना पड़ेगा। जेठा अंकल कालबा देवी में सिर्फ फाफड़ा जलेबी फेमस है? नहीं नहीं बेटा, एक से एक बढ़िया आइटम मिलती है। तो सब एक एक प्लेट मंगाओ ना। अरे गोली क्या मंगवाओ, अय्यर अंकल आउट होंगे तो ही ये सब लाएंगे ना। अच्छा जेठा अंकल अय्यर अंकल को जल्दी आउट करो ना प्लीज। नहीं बेटा आप आउट नहीं करेंगे? नहीं नहीं करूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा क्या आउट करूंगा। क्योंकि क्या आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था ना तो कंपाउंड में दया आंटी ने मुझे टच किया था, तभी ये अय्यर अंकल ने मुझे आउट करने के लिए जो मुझे परेशान किया है, अपनी बेसुरी आवाज ने मेरे दोनों कानों में इतना जोर जोर से गाया, उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं इतना तड़पा हूँ मैं बता नहीं सकता बेटा। तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, इनको भी जरा तड़पाना तो पड़ेगा ना। हम के तड़पाइए तड़पाइए मजा आएगा। हाँ अय्यर भाई, अय्यर भाई हिल जाओ अय्यर भाई, ए अय्यर भाई। अरे जेठा अंकल रुक क्यों गए? बस अभी हिलने ही वाले थे, आउट होने ही वाले थे। हाँ इसलिए तो मैं रुक गया बेटा, क्योंकि क्या जो मजा तड़पा तड़पा के आउट करने में है, वो ऐसे फटाफट जल्दी आउट करने में कहाँ। लेकिन आउट होकर कल सुबह चटाकेदार नाश्ता लाते तो और मजा आता ना। बेटा नाश्ता तो कल सुबह आएगा ही, और एक महीने तक आता रहेगा, उसकी चिंता करी मत। क्योंकि जब तक अय्यर भाई हिलेंगे नहीं मैं ओवर बोलने वाला नहीं हूँ।
पापा भीड़े अंकल को भी स्टैच्यू करे। टप्पू अरे सोनू इट्स जस्ट अ गेम यार, मजा आएगा। अरे चल ना उसमें भीड़े अंकल नहीं बनकर गेम खेलूंगा। अरे मजा आएगा मजा आएगा। पर जेठा अंकल बाबा को जरा जल्दी ओवर कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे मुझे अय्यर अंकल ने परेशान किया है, तेरे पापा ने थोड़ी किया है। उनका मैं बहुत फटाफट जल्दी ओवर बोल दूंगा। हाँ चिंता मत कर बेटा। तो पापा भीड़े अंकल को बुला के आऊं? नहीं नहीं बेटा, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। कैसे कैसे पापा? एक मिनट जरा बोल देना, बैठ दे। हाँ क्या कर रहे हैं? खिला लगा पैर में, यहाँ देने नहीं आ सकता था? सॉरी सॉरी पापा। पापा ये तो बताओ आप ये बैट बॉल से क्या करने वाले हो? हाँ। देखता जा बेटा, एक पंथ दो काज। आओ गुलदस्ता मस्त लेकर आया आप। मार्क और इसकी खासियत क्या है मालूम है? क्या? ये अनब्रेकेबल है। ओ, अरे वाह। देखता जा मैं क्या करता हूँ। अय्यर भाई के हाथ में ही बैठे। अरे वो मतलब ये शॉट अय्यर ने मारा? अय्यर क्रिकेट खेल रहा था? ओ अय्यर ये शॉट तुमने मारा? ये देखो क्या किया तुमने, मेरा नया गुलदस्ता था तोड़ दिया तुमने, नुकसान कर दिया मेरा। अरे बोल ना। अरे बोलो तो नहीं है। आप जरा धीरे। अरे क्या धीरे, इतना नुकसान कर दिया मेरा। अभी नीचे जाके खबर देता हूँ उसकी। अहो अरे अलग अर्थ है, ऐसे चिल्लाने से कुछ। अहो बीका मिट्टी आईका नो, जाने दीजिए ना, अय्यर भाई से पहली बार गलती हुई है। अरे पहली बार हुई तो क्या हुआ, नुकसान तो बार बार अपना ही हुआ है ना। बरोबर है नुकसान हुआ है, पर आप जरा शांति से बात कीजिए, ये तो छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है। हाँ तो होने दो ना, लेकिन माधवी तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। ठीक है स्टैचू। अय्यर देखो देखो क्या कर दिया तुमने, अरे नया गुलदस्ता लाया था मैंने, आज ही अनब्रेकेबल था, तोड़ दिया तुमने। तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों से क्रिकेट खेलने की? समझ में नहीं आता सोसाइटी में बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। अरे भाई भिड़े किस बात का शोर शराबा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मेहता साहब, एक तो क्रिकेट खेलने का टाइम ये है नहीं, ऊपर से क्रिकेट खेल के बॉल मार के मेरा नया वाला अनब्रेकेबल गुलदस्ता तोड़ दिया इसने, अब जब पूछा तो जवाब नहीं दे रहे। ये एक मिनट भिड़े, लेकिन जवाब कैसे देगा वो, जरा अय्यर को ध्यान से देखो, जवाब क्या नहीं दे रहा, वो तो हिल तक नहीं रहा है। लगता है कि इसको किसी ने स्टैचू कर दिया है। स्टैचू? हाँ किसने? ये तो यही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछिए। अय्यर तुम्हें किसी ने स्टैचू किया है? हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, देखो हाँ बोल रहा है। आपको कैसे पता चला? अरे आंख से बता रहा है ना, ऊपर नीचे करके, देखो हाँ बोल रहा है। अच्छा किसने स्टैचू किया? मेहता साहब ने। क्या? देखो ना आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे अय्यर कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैसा इशारा कर रहा हूँ, मैंने किया बताओ, मैंने किया तुम्हें स्टैचू, बोलो। देखो मना कर रहा है। अरे तो फिर किसने स्टैचू किया? टप्पू सेना ने। नहीं मना कर रहा है। अरे तो किसने किया, ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं 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 भिड़े, ये मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, मेरी और इशारा कर रहा है, मतलब इस दिशा में कोई और है जिसने अय्यर को स्टैचू किया। माधवी भाभी ने स्टैचू किया है। मेहता साहब वो खुद स्टैचू है। उनको किसने स्टैचू किया? मैंने। क्यों? वो सब छोड़ो ना, अभी ये जानना है कि अय्यर को स्टैचू किसने किया, क्योंकि उसने मेरा गुलदस्ता तोड़ा है ना, ये अनब्रेकेबल था। हाँ हाँ लेकिन पहले ये पता कर ले स्टैचू किसने किया, फिर पूछ लेना। मेरी दिशा में इशारा कर रहा है इसका मतलब ऐसा तो नहीं भिड़े कि कोई अय्यर को स्टैचू करके छुप गया है? नहीं इस तरफ हो सकता है, आइए देखते। देखो आइए देखते।
पापा भिड़े अंकल तो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तो आने दे, वही तो मैं चाहता हूँ। देखो दिख तो नहीं रहा। ये जेठालाल तुम? हेलो टप्पू सेना के साथ? हाँ जेठालाल मतलब जेठालाल ने भिड़ा टैचू मतलब अय्यर को स्टैचू जेठालाल तुमने किया था? जी भाई बेटा पता चल गया अय्यर को किसने स्टैचू किया, जेठालाल ने। सॉरी भिड़े ये तेरी फूलदानी टूटी उसके लिए। दरअसल वो बॉल फेंक के मेरा इरादा तुझे सिर्फ घर में से बाहर बालकनी में बुलाने का था, तेरा नुकसान करने का नहीं था। लेकिन अभी चूंकि तुझे पता चल गया कि तेरा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो अगर तू हिला तो तेरी सजा ये होगी कि तू मुझे डांटेगा नहीं। और 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 भिड़ंगल अगर हमसे कभी भी कुछ भी टूटे तो आप हमें डांटोगे नहीं? हाँ सुन लिया भाई। और बच्चों और किसी को टैचू करना है? नहीं नहीं पापा अभी किसी को नहीं। अभी नहीं 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 मुझे मैं ओके। अरे ओके क्या मुझे मत कर देना भाई स्टैचू, मुझे किसी को करना है। किसे? अरे जिसने सुबह मुझे स्टैचू किया था। कौन? हाथी भाई ने। अरे कमाल कर दिया भाई, बनारस से मेरे लिए मिठाई आई थी, मैं सोच रहा था मस्ती से खाऊंगा तिरंगी बर्फी। अच्छा हाथी भाई ने स्टैचू किया मुझे और सारी बर्फी खा गए, इसलिए मुझे बदला लेना है। हाँ तो करो करो। हाँ पापा को स्टैचू कीजिए, बहुत मजा आएगा। गोली लेकिन मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक मिनट। आओ आओ कर मजा आएगा। क्या क्या बोला क्या? अरे मैंने बताया कैसे बुला रहे हाथी भाई को। पापा पापा कोई रसगुल्ले देने आए हैं, अपने मंगवाए क्या? रसगुल्ले? कहाँ है रसगुल्ले? मैंने तो नहीं मंगाए बेटा, लेकिन कोई बात नहीं आने दो। आइए बाप, आइए आइए। कहाँ है? आइए आइए। कहाँ जा रहे हो गोली? स्टैचू। आती वाह स्टैचू। मेहता अंकल ये तो एक तीर दो निशान हो गया। कैसे? देखिए कोमल आंटी भी स्टैचू हो गए। नहीं 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 हाथी भाई ये स्टैचू सिर्फ आपके लिए था, गोल भाभी सॉरी आपके लिए नहीं था, इसलिए आप नहीं, नहीं, तारक अंकल मम्मी को भी स्टैचू रहने दीजिए ना, मजा आएगा। ठीक है भाई जब बच्चा खुद कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी कोमल भाभी सॉरी, अब आपके बेटे की इच्छा है तो आप रहिए स्टैचू। हाथी भाई अब आपको पता चलेगा हाथ में खाने की स्वादिष्ट चीज हो मुंह से जरा सी दूरी पे लेकिन खा नहीं सकते। सुबह यही किया था ना आपने मेरे साथ, पूरी बर्फी गपा गप खा गए और मुझे तिरंगी बर्फी के डब्बे से वंचित रख दिया, स्टैचू बना दिया मुझे। अब एक मिनट आती भाई हिलना मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरा सा भी नहीं हिलना, लाई 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 ये हिलना नहीं आती भाई। नहीं 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 क्योंकि अगर आप हिले तो आपको अगले एक महीने तक अंजलि के हाथ का बना हुआ डाइट फूड खाना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ लेकिन ये घास फूस वाला खाना मैं एक टाइम भी नहीं खा सकता। अब आपके सामने ये स्वादिष्ट समोसा मैं चबा चबा के खाऊंगा जैसे आप सुबह तिरंगी बर्फी खा रहे थे ना। देखिए अब आप तारक स्टैचू। अरे वाह अंजलि आंटी सही टाइम पे स्टैचू किया आपने, आखिर आपने सुबह का बदला ले ही लिया। अरे करना ही पड़ेगा ना, सुबह तो मुझे स्टैचू करके मेरी नजर के सामने मिठाई खा ली, समोसा तो आपको खाने ही नहीं दूंगी मिस्टर मेहता। और एक मिनट जरा भी हिले तो पनिशमेंट, आपको लंच और डिनर दोनों टाइम सैलेड मिलेगा और सैलेड काटना भी आपको ही पड़ेगा, समझे? ले गुली खा ले सारे समोसे। थैंक यू अंजलि आंटी। ले बोलो इसको मजा पड़ गया। और जेठा भाई ये बिल्कुल गलत बात है,
आप लोग कब से आपस में स्टैचू स्टैचू खेल रहे हो और हमको किसी ने बताया तक नहीं। रुकिए, अभी दया भाभी को फोन करके यही बुलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, दया को मत बताना। लग गया फोन, लग गया। अंजलि भाभी टेंशन। गोली गोली बेटा जरा फोन काट देना। बेटा अंकल मैं समोसा खा रहा हूँ, किसी और को बोल दीजिए ना। टप्पू बेटा जाना जरा वो फोन काट दे। हाँ पापा एक मिनट। हाँ बोलो अंजलि भाभी। हेलो कट हो गया। अंजलि भाभी ने अभी क्यों फोन किया होगा? टप्पू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। चलो तब तक नीचे मिलके आती हूँ। मेरे भाई टेचू रहिए भाई भी। भीड़ बहन ओह कोमल भाभी आती भाई मैं तो सही बंजी भाभी ये सब टेचू हो गए हैं। लगता है टप्पू के पापा दुकान से आ गए हैं। हाँ नक्की ये उनकी ही शरारत है। टप्पू के पापा मुझे टैचू करे उसके पहले मैं उनको टैचू कर देती हूँ। टप्पू के पापा मुझे टैचू करे उसके पहले मैं उनको टैचू कर देती हूँ। कर कर टैचू कर कर कर। अब अगर तू हिली तो तेरी सजा ये होगी कि तू एक महीने तक अपनी माँ से बात नहीं करेगी। जेठांगल पोपट अंकल आ रहे हैं। ओके बाय थैंक यू। जेठांगल पोपट अंकल को भी स्टैचू करें? हाँ। एक मिनट मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या जेठांगल उधर बुला किधर से है? आओ आओ पोपटलाल आओ। अरे जेठालाल क्या चल रहा है सब? सब लोग स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं? नहीं नहीं फोटो फोटो खेल रहे। मतलब? ओ बच्चे लोग को आजकल स्कूल में हो क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ देते हैं ना, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनके एक एक ऐसे फोटो खींच के लेके आओ। तो सबकी फोटो खींच रहे बच्चे लोग, तो सब लोग ऐसे पोज दे रहे फोटो के लिए। अच्छा तो फिर मेरी भी फोटो खींचो। नहीं नहीं सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो चाहिए प्रोजेक्ट में, जैसे तैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो नहीं चाहिए। जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे बच्चे लोग आ जाओ आ जाओ। आइए आइए। पोपटलाल अंकल तैयार है? हाँ। खींचो इनकी। हाँ। हाँ। बोलो भाई कैसा पोज चाहिए, जैसा बोलो वैसा पोज देता हूँ। एक काम करो पोपटलाल ये छाता खोल के ऐसा कुछ बढ़िया सा चकाचक पोज दो। ये अच्छा आइडिया है। करेक्ट करेक्ट। ये छाता ये खोला? खोल दिया। टच्चू सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपट अंकल अब खुद नहीं हिल पाएंगे। और पोपटलाल अगर तुम हिले तो तुम्हारा ये प्यारा छाता मैं रख लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अरे हॉर्न बंद करो, कौन है? अरे सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई हॉर्न बंद कीजिए, हॉर्न खराब हो गया क्या? टच यू। अरे अरे रोशन हॉर्न तो बंद कर। मम्मी सब लोग स्टैचू हो गए, आप भी स्टैचू हो जाओ। स्टैचू छोटी ओवर। ओ जेठा भाई यार कमाल के था,
मैं तो अपनी रोशन डालिंग के साथ स्टैचू स्टैचू खेलने आया था, तुमने मेरे साथ ही स्टैचू कर लिया, अब मजा आ गया। सॉरी स्टैचू। सॉरी भाई। ओ सोनू बेटा को ये हॉर्न का आवाज बहुत तकलीफ दे रहा था ना, इसके लिए तुझे थोड़ी देर के लिए ओवर किया था। वाओ फ्रेंड्स, पापा यहाँ से सोसाइटी क्या मस्त लग रही है, सब लोग स्टैच्यू हो गए। डाली अय्यर भाई को स्टैच्यू करने का प्लानिंग था, देखते ही देखते पूरी सोसाइटी स्टैच्यू हो गई। नहीं जेठा जी, पूरी सोसाइटी स्टैचू नहीं हुई है। अरे हाँ, आप बाकी रह गए स्टैचू। अरे बबीता जी तो मुझसे भी फास्ट निकली। वाह बबीता आंटी, जेठा अंकल आपको स्टैचू करे उससे पहले आप ही ने उनको स्टैचू कर दिया। तो अब आपकी बारी स्टैचू। गोले भी गो स्टैचू। गो की स्टैचू। सोनू स्टैचू। ये अब पूरी सोसाइटी में टप्पू अकेला हिल सकता है। इसका वीडियो ले लेता हूँ। ये अंकल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब्दुल भाई। अरे गोली पिंकू। पापा यहाँ पर एक गोगी। ये वीडियो अंकल, वीडियो है कुछ बोलिए ना। मम्मी हाय। माजी आंटी हाय। अरे अंजलि आंटी यहाँ पर देखिए हाय। मैदा अंकल हाय। हाथ के अंकल पता है गोली आपके सारे समोसे खा गया। ये सब क्या है, इन सबको क्या हो गए? दादाजी सब लोग स्टैचू हो गए। स्टैचू? हाँ। वो बच्चों का खेल? हाँ दादाजी, लेकिन अब ये सिर्फ बच्चों का नहीं, सब बड़े भी खेल रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है खेलो खेलो। अच्छा सुन टपुड़ा, घर की चाबी किसके पास है, मुझे जल्दी ऊपर जाना है। ओ, वो तो मम्मी के पास है। हाँ तो उसका स्टैचू बंद कर। वो तो पापा कर सकते है। हाँ तो जेठिया का स्टैचू बंद कर। वो तो बबीता आंटी कर सकती है। तो उसका टेची कौन मन करेगा? सोनू। और उसका? मैं। अरे तो करने भाई, अभी क्या तुझे चिट्ठी लिखूं? नहीं नहीं नहीं, सोनू ओवर। बबीता आंटी ओवर। जीठा जी ओवर। थैंक यू बबीता जी। अरे तू खड़ा क्या, जल्दी चाबी ले मम्मी से और बाबूजी को ऊपर लेके जा। अरे पर पापा मम्मी को तो ओवर करो। अरे ओवर ओवर ओवर। छाता खोला उसमें। अय्यर भाई आप क्यों मिले, मैंने आपको ओवर कम बोला। अरे जेठालाल तुमने 3-4 बार ओवर ओवर बोला था ना, तो उसमें मेरा ओवर आ गया। हाँ भैया सबका ओवर हो गया। हाँ बराबर है 3-4 बार ओवर मतलब जेठालाल तुमने जिन जिन को स्टैचू बोला था वो सब ओवर हो गए। अरे भिड़े तू भी हिल गया। हाँ तो और जेठालाल ये क्या बचपना है, स्टैचू खेलने के लिए मेरे घर में बॉल फेंक के मेरा ये अनब्रेकेबल गुलदस्ता क्यों तोड़ दिया, कितना नुकसान कर दिया मेरा। अरे भाई मैंने जब भी तुझे स्टैचू किया था तभी सब बताया था कि तेरे कान भी स्टैचू हो गए थे। अरे भाई मेरा इरादा वो बॉल फेंक के ये कुछ नुकसान पहुंचाने का नहीं था, खाली तुझे बालकनी में बाहर बुलाने का इरादा था। जेठालाल तो फिर आवाज देके नहीं बुला सकते थे। नहीं है? और मेहता साहब आपने जो चलाकी से स्टैचू किया ये सही बात नहीं है। अरे क्या सही बात नहीं आती भाई, यहाँ शुरुआत तो आपने की थी ना आती भाई, सुबह आप मुझे स्टैचू बना के सारी की सारी मिठाई गपा गप खा गए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो मैं बदला लूंगा कि नहीं लूंगा, इसलिए मुझे आपको स्टैचू बनाना पड़ा। और वैसे असल में देखा जाए तो शुरुआत आपने भी नहीं की थी, शुरुआत भिड़े के घर से हुई है। नहीं 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 मेहता साहब, ये स्टैचू प्रकरण की शुरुआत जेठालाल के घर से हुई है। हाँ। नहीं मतलब क्या हुआ, दया भाभी ने जेठालाल को स्टैचू किया और ये बात दया भाभी ने माधवी को बताई। हाँ। फिर माधवी ने मुझे स्टैचू किया।
जेठालाल तुम्हारे इस चक्कर में मेरा कुर्ता जलते जलते बचा है और ये मेरा गुलदस्ता अनब्रेकेबल गुलदस्ता टूट गया। देखो भाई भिड़े, स्टैचू के खेल में गलत शब्दों का प्रयोग मत करो भाई। तुम्हारा गुलदस्ता साबुत है, जो टूटा है वो गुलदान है, उसे गुलदान कहते हैं। अरे मेहता साहब, जो चीज टूट चुकी है उसका नाम ठीक करने से क्या फायदा? फायदा नहीं जेठालाल, नुकसान हुआ है मेरा। मेरा ये गुलदान टूट गया है। अरे वो गुलशन गुलदान, तेरा सिर्फ गुलदान ही टूटा है ना, बैंक का लॉकर थोड़ी टूटा है जब कब से गुलदानी गाना खा रहा है। अरे भाई जेठालाल, ये तो अच्छा हुआ कि सोडी का हाथ हॉर्न पे था जब तुमने स्टैचू बोला। अगर उसका पैर एक्सेलरेटर पे होता तो मैं तुरंत ओवर बोल देता। अरे भाई तुम ओवर बोलते हो, उसके पहले मैं हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो जाता। अरे भाई सुप सुप बोलो, शादी करनी है कि नहीं करनी है? जेठालाल पर यारो, मैंने कोई दसेगा कि ये सब हो ही रहा है? सोडी मैं बताता हूँ, ये जेठालाल ने मेरे साथ में चीटिंग किया है। क्या क्या चीटिंग किया? चीटिंग तो आपने की सबसे पहले मेरे साथ। चीटिंग तो मेहता साहब ने मेरे साथ की है। आप बेसिकली प्रॉब्लम उसी से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गलती किसकी है मालूम कैसे पड़ा था भाई? एक दूसरे ने किया जो अरे चुप हो जाओ दौलत, अरे शांत हो जाओ, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? अरे समझ ही नहीं इसका बोला। दादाजी संभालिए। बासुंदी सुनो, मैं आने ही वाला था, बस निकल ही रहा था कि तब तक एक जिष्ठा सुनो सुनो सॉरी 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 जेठालाल ने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया है, आज उसकी खैर नहीं। गाड़ी तेज चलाओ। सर ये सब लोग ऐसे पुतले से क्यों खड़े? सर ये गोकुलधाम के नमूने हैं ही ऐसे, भविष्य में इनको मोम के पुतले बनाकर वैक्स म्यूजियम में रखना चाहिए। ये जेठालाल किधर है? ये चालू जी, अब पांडे जी को मेरा क्या काम है? ये जेठालाल किधर है? जेठालाल नहीं दिखाई दे रहा। जेठालाल को देखा। चलो। जेठालाल सुन नहीं रहे क्या मैं बोल रहा हूँ? इंस्पेक्टर चालू पांडे सुनाई नहीं दे रहा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चलो बेटा। कौन बोला? एक मिनट, कौन बोला? मैं बोल। ओ चाचा जी आप। चलो बेटा, अभी इन सबको चालू कर देता हूँ। हाँ करो। सबको और पुलिस क्यों आई है? टीचर इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? पहले ये सब बताइए, यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चालू जी, पांडे जी हम सब लोग मिलके टच्चू खेल रहे थे। टच्चू क्या खेल रहे थे? वो पांडे साहब स्टैचू, वो जो बच्चों का खेल होता है ना, एक दूसरे को स्टैचू कर देते हैं, मूर्ति बन जाते हैं वैसे। हाँ वही खेल रहे थे। जेठालाल खेल खेलना कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। हाँ महंगा ही पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी पांडे जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ओके जेठालाल तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने क्या किया? वो तो पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? बाबा जी के पापा क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया है चालू जी, पांडे जी? अरे एक बार बोला ना पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा, सबके सामने बताऊं? टप्पू के पापा आप डरिए मत, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे कौन डर कौन रहा है? तू भी जेठिया, मैं भी आता हूँ। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और मैं भी आता हूँ जी, चलो मैं भी चलता हूँ। एक मिनट मैं भी आ रहा हूँ। क्या शादी है क्या? मैं भी चलता हूँ।
कोई एक आदमी चल सकता है। पांडे साहब अब तो पुलिस स्टेशन भी आ गया, अब तो बताइए प्लीज कि आप हमें क्यों लेके आए यहाँ। हाँ, प्लीज यहाँ क्यों लेके आए? कहने सुनने का वक्त नहीं है, अब लाइव टेलीकास्ट देखने का वक्त है। वो देखो बागा बावरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ देखो ना। अरे क्या देखो ना, तेरा तो वो चार पंजे का प्रोग्राम था ना, पिक्चर पॉपकॉर्न पार्क पाव भाजी, ये पांचवा पुलिस स्टेशन का पंजा कहाँ से आया? सेठ जी ये छठे पंजे पाटिल जी की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है, और मैं कब से ये सातवें पंजे पांडे जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। ए! क्या लगा रहा पंजा पंजा, पंजे को पैक कर, पार्टी दे लो, गार्डन में जुआ खेलते। मैडम आप जरा बाहर जाएंगे। हाँ ये लोग गार्डन में जुआ खेल रहे थे या? सर ये दोनों गार्डन में रंग रैलियां मनाते हुए पकड़े गए। क्या आगा बावरी तुम लोग गार्डन में रंग रैलियां मना रहे थे? तो उसमें क्या, उसमें क्या मतलब? गार्डन में रंगोली बना है उसमें क्या? जेठालाल रंगोली नहीं रंगरेली, रंगरेली रंगरेली जेठालाल कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या? हाँ आगा बावरी? नहीं 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 सेठ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर मुजरिम ऐसा ही कहता है भागेश्वर जी। हम सच कह रहे हैं, ये जटिल जी हमें खामखाया उठा कर ले आए। अरे जटिल नहीं पाटिल, गलती से मिस्टेक हो गई। पांडे जी प्लीज हमारी बात सुनिए, हम सच कह रहे हैं, हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या पाटिल झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं हमें लगता है कुटिल जी को गलतफहमी हुई है। अरे मैडम कुटिल नहीं पाटिल, पाटिल गलती से मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, अभी तो बताया और इतनी देर में वापस मिस्टेक हो गई? सॉरी पांडे जी सॉरी। एक मिनट कुटिल, सॉरी पाटिल, जरा ये बताओ कि इन दोनों ने गलती से नहीं जानबूझकर क्या मिस्टेक की है वो बताओ। सर ये गार्डन में पिक्चर की पोज में खड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, बाकी सारे प्रेमी तो हमको देख के भाग गए। हाँ बराबर है, लेकिन ये दोनों नीरलज वहीं खड़े रहे। अब बताओ जेठालाल। मैं क्या बताऊं? ए भाई तू क्या खड़ा, तू बता। अरे लेकिन सेठ जी मैं पांडे जी को कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। चलो जी पांडे जी सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाहता है। सुनो। अब सुनने सुनाने का वक्त गया, सीधा देखिए। बावरी जी मुझे तो पूरा यकीन था कि सेठ जी छुट्टी के लिए मान ही जाएंगे, वो सिर्फ दिखते कठोर है लेकिन अंदर से एकदम कोमल हृदय के हैं। मतलब आपको पता है आज सुबह सेठ जी सेठानी जी के साथ स्टैचू खेल रहे थे। क्यों बात कर रहे हैं बागेश्वर जी? आज सुबह सेठानी जी ने सेठ जी को स्टैचू कहा तो सेठ जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। लगता है आपके सेठ जी आपकी सेठानी जी को बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं बावरी जी, सेठ जी सेठानी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बागेश्वर जी आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बावरी जी वैसे तो सारे प्रेमी अपनी प्रेमिका से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन वो सब झूठ बोलते हैं क्योंकि टेक्निकली तो वो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैं आपके लिए पेड़ पे चढ़ के आम इमली पेड़ सेब आपको जो भी फल पसंद हो वो तोड़ के ला सकता हूँ। सच? रे 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 संभालिए बावरी जी, आप ठीक तो है ना? बागेश्वर जी स्टैचू, अब आप भी स्टैचू रहिए और मैं भी स्टैचू रहूंगी। पाटिल काय चल रहे, देखो खुले आम सबकी आशिकी चल रही है। अरे पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, उन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा।
तभी तो हमारे यहाँ पे कंप्लेंट आती है। चलो आज इन आशिकों की खैर नहीं, चलो पकड़ते इन्हें। पाटिल कितने बेशरम है, देखो हिम्मत तो देखो इनकी। सब लोग डर के इधर उधर भाग गए, लेकिन ये दोनों तो ऐसे डट कर खड़े हैं कि पुलिस की सीटी की भी कोई वैल्यू नहीं। पाटिल पाटिल इनको पकड़ना ही पड़े। चलो चलो बागेश्वर जी ओवर। थैंक यू बावरी जी। सुनिए सुनिए हवलदार साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं और बावरी जी स्टैचू खेल रहे थे। खेल रहे थे स्टैचू खेल रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ खेलते हैं। देखा, मैं और बावरी जी तो सिर्फ स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू ये तुम लोगों को हो क्या गया है? गोकुलधाम में स्टैचू खेल रहे थे, ये लोग गार्डन में स्टैचू खेल रहे थे। तुम लोगों के स्टैचू के खेल की वजह से हम पुलिस वालों का टाइम बर्बाद हुआ, उसका क्या? सॉरी पांडा जी। पांडा? अरे पांडा तो चीन में होता है, हम तो बनारस के पांडे हैं। याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। गलती से मिस्टेक हो गई। देखा पाटिल, जब भी गोकुलधाम सोसाइटी से कोई जुड़ा हुआ केस आता है हमारा वक्त बर्बाद ही होता है। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा क्या हुआ, कुछ पता चला? इंस्पेक्टर चालू भाई पांडे जी आपको पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गए? और यहाँ पर नटू काका आए हैं, कह रहे हैं कि बाघा भाई और बावरी बहन का कुछ पता नहीं है। नहीं, बाघा और बावरी दोनों यही पुलिस स्टेशन में ही है और उनकी वजह से ही चालू जी पांडे जी हमको यहाँ लेकर आए है। अरे नटू काका, बाघा भाई और बावरी बहन अभी टप्पू के पापा के साथ पुलिस स्टेशन में है। ओह माय गॉड, बापूजी पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे दया चिंता की कोई बात नहीं है, बाघा बावरी को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल वो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके आई है, लेकिन अभी सब ठीक हो गया है तो हम लोग थोड़ी देर में उधर घर पे पहुंचते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ। चलो जी पांडे जी, तो हम इन दोनों को लेके निकले। निकले कहाँ निकले, किधर निकले? नहीं, पांडे साहब, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि बाघा बावरी निर्दोष है तो हम उन लोगों को लेकर निकले, मतलब पूछ रहे हैं निकले या नहीं निकले ऐसा। वाह, अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो निर्दोष है। ये गार्डन है क्या? कोई भी आया कोई भी गया। रहने दीजिए सेठ जी, अगर सब कुछ जानने के बाद भी पांडे जी को लगता है कि हम दोषी है तो ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? एक मिनट सेठ जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्यार करना जुर्म है तो हाँ मैं दोषी हूँ। आप ही बताइए पांडे जी, प्यार करने वाले कहाँ जाएं? पूरे शहर में कितनी भीड़ है, अगर हम समंदर किनारे जाएं तो वहां पर भी कितने सारे लोग होते हैं, और जो जगह खाली होती है वहां पर पानी पूरी वाले होते हैं। अगर सिनेमा हॉल जाए तो वहां पर एक्टर के डायलॉग सुने या हम दोनों बातें करें? अब आप ही बताइए, ऐसे में हम जैसे प्रेमी मिलकर दो प्यार भरी बात करना चाहे तो कहां जाएं? लव गार्डन। लेकिन लेकिन वहां पर भी आपके लोग हमें शांति से बैठने नहीं देते। एक काम कीजिए पांडे जी, आप हमें जेल में डाल दीजिए, वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां हम बैठ के आराम से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेंगे। तुम सच कह रहे हो बागेश्वर? प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने के लिए
सबसे सर्वश्रेष्ठ और सेफ जगह है गार्डन। हम भी शादी से पहले बासुंदी को बनारस के उद्यान में मिला करते थे। हम जब मिलते थे तब ए, वो कह रहा है गार्डन है क्या? लेकिन आजकल के प्रेमी प्रेमिका गार्डन में सिर्फ मिलते ही नहीं है बल्कि मिलो, आप लोग मिलो लेकिन मर्यादित रूप से मिलो ना। उस गार्डन में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अगर आप लोग अमर्यादित रूप से मिलोगे तो इन बच्चों पर क्या असर होगा? बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहा। लेकिन पांडे जी, अगर गार्डन में हम प्रेमियों का आना जाना बंद करवा दिया तो हम प्रेमी कहाँ जाएंगे? हाँ, ये तो आपको प्रेम करने के पहले सोचना चाहिए था ना। प्रेम करो आप लोग, जगह ढूंढू मैं। अरे छोड़ने पर अभी उसमें चालू जी, पांडे जी क्या कर सकते हैं भाई, छोड़ छोड़। नहीं नहीं, एक मिनट जेठालाल, पांडे जी चाहे कुछ कर सके न कर सके लेकिन सरकार बहुत कुछ कर सकती है। भागा की बात गलत नहीं है भाई, अगर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं होंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं बतौर लेखक और जिम्मेदार नागरिक सरकार को एक खुला पत्र लिखूंगा कि भाई जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए गार्डन थे या स्थान थे उन्हें शुरू किया जाए। अगर उन्हें सरकार ले चुकी है वापस तो उन्हें वापस खोलने की मुहिम शुरू की जाए। वाह, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं को भी एक बात समझनी होगी कि प्रेम और अश्लीलता में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। प्रेम करें आप लोग लेकिन प्रेम का फूहड़ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बराबर है, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, वैसे पुलिस प्रेमियों की दुश्मन नहीं है लेकिन हाँ, हर चीज की मर्यादा होती है और जब भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा पुलिस अपना काम तो करेगी। करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए। बिल्कुल बराबर है पांडे जी, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो चलो अभी आप अगर सहमति दे तो हम लोग निकले। हाँ निकलो पाटिल, इन लोगों को जाने दो। थैंक यू पांडे जी, पाटिल भाव थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हांडा जी। अरे हांडा नहीं, अरे भाई इनको लेके जाओ, लेके जाओ। आ भाई तू मुंगी रहने, चल चलो भाई चलो। ओके थैंक यू, निकल जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलो चलो चलो। जेठालाल एक मिनट। हाँ जी। सुंदरा यहाँ। नहीं नहीं, आप लोग का काम है, आप लोग जा सकते। आप लोग रुकना। हाँ हम बार वेट करते हैं। हाँ सीट जी। यहाँ। रुकना। हाँ हाँ सीट जी। मैंने क्या किया? ये स्टैचू स्टैचू क्या है भाई? आपको स्टैचू के बारे में पता नहीं है? नहीं, अरे क्या हमने कभी स्टैचू स्टैचू खेला ही नहीं है। बचपन में हम चोर पुलिस खेलते थे और हमेशा मैं चोर बनता था और पकड़ा जाता था। अरे मैंने डिसीजन लिया कि मैं पुलिस बनूंगा और पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। देखो मेरा डिसीजन कितना पक्का निकला कि आज तक पकड़ा नहीं गया। ये बताओ जेठालाल, ये स्टैचू स्टैचू खेलते कैसे हैं? अरे चालू जी, पांडा जी बहुत मजेदार खेल है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप भी घर पर जाकर बासुंदी भाभी के साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। अरे भाई खेलूंगा, जब बताओगे कैसे खेलते तब खेलूंगा ना। उसमें क्या है कि दो जन होते, एक स्टैचू करता है और दूसरा स्टैचू बनता है। अच्छा, मतलब जो स्टैचू करता है ना वो बनने वालों को ऐसा स्टैचू ऐसा बोलता है, तो जो स्टैचू बनने वाला होता है वो जो भी मुद्रा में हो जो भी परिस्थिति में हो उधर ऐसे वो स्थिर हो जाता है, मतलब मूर्ति की तरह, समझे? एक एक देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। एक प्रैक्टिकल एक करते हम लोग, आप कुछ हलन चलन कीजिए, आप कोई भी ऐसे मुद्रा कीजिए, कुछ भी कुछ भी। हाँ थैंक यू। देखा, इसी तरह अभी आपको ये मूर्ति बनने, अरे आप ऐसे ये भी नहीं हिला सकते मुंडी भी, एकदम कड़क मूर्ति एकदम। हाँ आप कुछ नहीं हिला सकते हाथ पैर मुंडी कुछ नहीं, खाली ये जो आंखों के जो डोले है ना डोले, वो आप ऐसे ऐसे वो हिला सकते, वो चलेगा। अभी जब तक वो जिसने आपको टैचू किया है वो ओवर ऐसा नहीं बोलता तब तक आपको उसी मुद्रा में ऐसा स्थिर रहना है, हैं? अभी मैं ओवर बोलूंगा तो फिर आप हिल सकते हैं, ठीक है? और अगर ओवर बोलने के पहले आप हिल गए तो फिर मैं जो आपको सजा दूंगा वो आपको माननी पड़ेगी, ऐसा ये खेल है। तो रेडी, ओवर बोलता हूँ, रेडी ओवर।
आ गया, ऐसा लगा था मेडिटेशन कर रहे थे। अरे तो जेठालाल, अब जब भी बासुंदी मुझ पर गुस्सा करेगी मैं उसको बोलूंगा स्टैच्यू। अच्छा, बासुंदी भाभी आप पर गुस्सा करती है? ए, और लड़ मारा क्या? स्टैच्यू करके सब पर्सनल बातें निकाल रहा है क्या? तो बाहर निकल, चल चल चल। ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है, पर्सनल बातें निकालता है स्टैच्यू। स्टैच्यू पड़ी, स्टैच्यू स्टैच्यू।